सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मन को एकाग्र कैसे करें? हमारे यहां नारायण के जो अवतार हैं उनमें 24 अवतार में से एक अवतार है भगवान कपिल देव का अवतार। भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को बड़ा ज्ञान दिया, तो माता देवहूति ने जब भगवान कपिल देव से प्रश्न करे थे, ये बहुत बड़ी सुंदर व्याख्या है, बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु इस चीज को उठाते हैं और बात करते हैं। तो भगवान कपिल देव से उनकी मां पूछती हैं कि कृपा कर मुझे बताएं कि मन को संयम कैसे करें और मन को एकाग्र और संयमित करने का साधन क्या है। बस ये चीज बहुत समझने वाली है। तो भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को इस प्रश्न के जवाब में कहा, मां, मन को संयमित करने के, सिर्फ एकाग्र करने के सिर्फ दो साधन हैं और जो जिसने ये कर लिया उसको सब मिल जाएगा। पहला साधन उन्होंने बताया कि इस देह को, इस शरीर को मिलने वाला कोई भी पदार्थ, जो भी हम भगवान ले रहे हैं, वो भगवान को समर्पित करके लें। हम जो भी अर्न करते हैं, जो भी कमाते हैं या जो भी खाते हैं, सपोज हम भोजन ले रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, उसकी प्रवृत्ति क्या है? वो प्रवृत्ति कैसी होती है और उस प्रवृत्ति को अगर समझें तो उस प्रवृत्ति में उसका नेचर छुपा हुआ है। हम जो भी भोजन कर रहे हैं उसकी, उसका नेचर कैसा है, वो उसका सोर्स क्या है। कोई भी सोर्स अगर आप अपने जीवन में लें तो आपके यहां, आपके पास जो भोजन आया है उसमें हिंसा तो नहीं है। जो भोजन आपने प्राप्त किया हो सकता है दिखने में शाकाहारी हो लेकिन उसको बनाने में तो हिंसा नहीं हुई। अर्थात जिसने भोजन पकाया है वो व्यक्ति का पकाते वक्त स्वभाव कैसा था। हमारे यहां इतने इतने बारीक माइक्रो साइंस पे चर्चा होती है और पूरी दुनिया आज इस माइक्रो साइंस पे काम कर रही है। सो द मेन पार्ट इज, मन को एकाग्र करने के लिए भी सबसे पहला नियम हमारे यहां आहार शुद्धि बताई गई है। आहार शुद्ध होना बहुत जरूरी है। छोटी सी बात मैं आपसे करता हूं, कई बार आप शाम को ज्यादा खाना, ज्यादा भोजन पा लेते हैं, या आप किसी पार्टी शादी में गए, वहां आपको स्वाद अच्छा लगा, आपने ज्यादा खा लिया, वो आपके स्वाद का मैटर है। लेकिन आप देखेंगे कि उस रात अगर ज्यादा गरिष्ठ पदार्थ आप खा लेंगे तो उस रात आपकी नींद में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बेचैनी हो सकती है अगर और ज्यादा खा लिया है तो, और सुबह आपको भूख जल्दी लगेगी। क्यों? क्योंकि जो आपने ज्यादा खाया था, हमारी जीवन शक्ति ने उसको पचाने में ही उतनी ऊर्जा लगा दी जितना हमने खाया। तो देखना आप, जो लोग ज्यादा भोजन खाते हैं वो लोग को भूख ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा आप जब भोजन खा लेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, जो उससे ऊर्जा हमें मिलने वाली है वो ऊर्जा उस भोजन को पकाने में लग जाती है और हम सिफर हो जाते हैं। मन की एकाग्रता में सबसे पहला जो हमारा साधन है वो आहार शुद्धि है। हमारा आहार जितना प्योर फॉर्म में होगा हमारे लिए उतना आनंददायक और उतना अच्छा कार्यक्रम हो सकता है। वो ठीक उसी तरीके से जब हमारा आहार शुद्ध होगा, हमने अच्छा कर लिया, तो आप देखना हमारा मन शुद्ध होगा। हमने लाइट भोजन लिया, हमने लाइट चीजों के आसपास रहना शुरू किया, हमको मन अच्छा लगेगा। जैसे आप देखते हैं कि कई बार आप थके हुए आए हैं, आपने शॉवर लिया, आपने स्नान किया और आपको अच्छा फील होता है। ठीक इसी तरीके से जैसे आप हल्के हो जाते हैं आपको अच्छा फील होता है और वो फील आपके जीवन में बहुत आनंद देता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले इंद्रिय संयम चाहिए और वो इंद्रिय संयम करने के लिए हमारे जीवन में सत्संग होना चाहिए, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता होनी चाहिए, लाइक मर्सी, दया, प्रेम, करुणा। ऐसी भावना जब होती है तो मन को एकाग्र करना बड़ा मुश्किल नहीं होता, बहुत सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो हमारे मन में द्वंद्व पैदा करे। द्वंद्व बहुत गड़बड़ करता है।
आप देखना कि कई बार हम समाधि में बैठने की, ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं, आंखें बंद करते से बहुत सारी उलझुल बातें घूमना शुरू हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जो जो हमारे साथ घटा है, सबसे पहले वो हमारे मानस में आएगा, हमारे ब्रेन में वो घूमेगा, हमारी मेमोरी में वो घूमेगा, वो हमें विचलित करता है। अगर हम उसको बहुत बारीकी से देखें तो वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने, जो हमारा सुप्त दिमाग है, जो हमारे सोने पर भी काम करता है, उस सबकॉन्शियस माइंड में वो घटना बैठी होती है और वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करती है। एकाग्र करने का सबसे आसान तरीका, आप ये सब अगर मान लीजिए इन सब से नहीं भी बच पा रहे हैं, तो यू जस्ट डू वन थिंग, 10 मिनट बैठकर ओम बोलना है। आप 10 मिनट बैठिए और 10 मिनट बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए और आपकी नाभि से आवाज ऊपर खींचिए। आप देखेंगे जादू हो जाएगा लाइफ में, क्योंकि ओम एक ऐसा शब्द है जो आपको दुनिया से काट देता है। और मेरा निवेदन आपसे और है, ओम की ध्वनि मैक्सिमम अगर आपको करना है तो 15 मिनट करेंगे, इससे ज्यादा आप ना करें। क्योंकि जब आप ओम कार करेंगे ओम बोलते जाएंगे, मैक्सिमम बहुत ज्यादा समय तक आपको करना है तो ज्यादा से ज्यादा आप 15 मिनट करें। क्योंकि अगर आप ज्यादा की प्रैक्टिस में चले जाएंगे तो बंधु आपको समाधि लगना शुरू हो जाएगी। ओंकार दुनिया से हटाता है, इसलिए गृहस्थ के लिए कहा गया है कि ओम का उच्चारण मुश्किल से 5-7 मिनट करे अगर करना है तो। लेकिन अगर आप कर रहे हैं मैक्सिमम 15 मिनट से ज्यादा ओंकार ना करें प्रतिदिन, वरना आप एकांत अच्छा पसंद करने लगेंगे। आप भीड़ में भी होंगे तो आपको आनंद आएगा, क्योंकि आप एकाकी हो जाएंगे, आप आनंद से भर जाएंगे। ये इतना ताकतवर ओंकार जो है, इतना ताकतवर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप इससे बहुत आसानी से समाधि लगा सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, विरक्ति पा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, गृहस्थ को बहुत ज्यादा समय तक ओंकार नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 15 मिनट तक ओम उच्चाटन करें। उससे ज्यादा करेंगे तो आपकी फैमिली से आपकी दूरी बढ़ने लगेगी। आपको लगेगा कि नहीं, अब आनंद नहीं आ रहा, अब तो मैं अपने जीवन की यात्रा अपने तरीके से करूंगा। सो इस बात पर थोड़ा सा विचार जरूर कीजिएगा। और अगर आप 10 से 12 मिनट रोज ओंकार कर रहे हैं तो आपके मन की एकाग्रता इतनी तेजी से बढ़ने वाली है कि आप तमाम विषयों से, भटके हुए विषयों में जहां हैं, क्योंकि जीवन है, दुनिया है, भटकाव बहुत है, विषय बहुत है, दुनियादारी ही ऐसी है, दौड़ धूप लगी हुई है, यू जस्ट कलेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को कलेक्ट करने का एक साधन अगर कुछ आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो साधन सबसे अच्छा है, आप ओंकार में बैठिए। हमारे मन में द्वंद्व चल रहे हैं, तो हिंसा चल रही है, किसी के लिए विरोध चल रहा है, वो आपके जीवन को कभी उन्नत नहीं होने देगा और कभी एकाग्र नहीं होने देगा। एंड समवेयर डाउन द लाइन हम देखते हैं कि हम लोगों से ऑपरेट हो रहे हैं, हमें कुछ दूसरे लोग ऑपरेट कर रहे हैं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारा रिमोट हमारे पड़ोसी के हाथ में है, हमारे दोस्त के हाथ में है, किसी अपरिचित के हाथ में है। हमारे किसी पड़ोसी के यहाँ अगर मान लीजिए कार चेंज होती है, छोटी कार से बड़ी कार आ जाती है, तो कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं इसके यहाँ बड़ी कार कैसे आ गई, वो तो बेचारा कार की खुशी में अच्छे से सोएगा, और आप उसकी कार आ गई इस दुख में सारी रात नहीं सो पाए, मैं नहीं ला पाया। सो समवेयर वी आर रिमोटिंग फ्रॉम समवेयर, कोई हमें और रिमोट कर रहा है। तो जब कोई और के हाथ में हमारा रिमोट होगा तो हम एकाग्र हो ही नहीं सकते, हमारी स्थिति कभी स्थिर नहीं हो सकती। संतुष्टि रखिए, पुरुषार्थी बनिए, जितनी ज़्यादा एफर्ट्स आप कर सकते हैं अपने कार्य में कीजिए। किसी मेंटोर, कोई एक आपके जीवन में मेंटोर जरूर होना चाहिए, जो आपको समय समय पर आपके लिए सुझाव दे, जो सिर्फ आपके लिए हितकर हो और आप जीवन और कल्याण के लिए सुंदर कार्य कर पाए। इस करके आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं।